कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यह कहावत लखनऊ के प्रशिक्षित निदेशालय के पुलिस निदेशक डॉक्टर संजय एम तरडे ने सही साबित कर दी है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एमएससी साइबर सिक्योरिटी में टॉप कर सभी युवा छात्र छात्राओं को पीछे छोड़ दिया और सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बन गए। देखिए हमारी रिपोर्ट। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं और अपने जज्बे से कर दिखाते हैं। इसी कथन को 55 साल के सीनियर आईपीएस अधिकारी ने चरितार्थ किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीजी पद पर तैनात डॉक्टर संजय एम तरले ने साइबर सिक्योरिटी में एमएससी टॉप किया है। यही नहीं, डॉक्टर संजय ने राष्ट्रपति मुर्मू से गोल्ड मेडल का सम्मान पाने का गौरव भी हासिल किया है। इसी सब के बीच डॉक्टर संजय ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगों पर लगाम लगाने के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जल्द ही 9000 साइबर एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के जिलों में साइबर फॉरेंसिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए आरएन टीवी के साथ डॉक्टर संजय की एक खास बातचीत। ये इस प्रकार का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने जरूर एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स कंप्लीट करने का उद्देश्य था, परंतु वाकई में उसमें गोल्ड मेडल मिलेगा इस लिहाज से या इस सोच के साथ मैंने नहीं किया था। हाँ, अपने आप को साइबर क्राइम के संबंध में उसके नए आयाम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी निटी ग्रिटीज समझने के लिए जरूर किया था, क्योंकि अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। वैसे भी प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पे इस पे बल देते हैं कि हमारी पुलिस तकनीकी रूप से दक्ष होनी चाहिए। मैं प्रशिक्षण निदेशालय में कार्य कर रहा हूं, उस लिहाज से भी अभी हम 9000 सब इंस्पेक्टर्स का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं, पहली बार इतनी मात्रा में 9000 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स नियुक्त हो रहे हैं, उनको भी इस संबंध में इस टाइप का प्रशिक्षण, जो साइबर क्राइम ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, इस प्रकार का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। और उनको प्रशिक्षण देने से पूर्व मुझे कुछ व्यावहारिक ज्ञान जरूर था, परंतु उसकी पूरी बातें, पूरी थियोरेटिकल बैकड्रॉप जब तक मालूम नहीं होता है, तब तक आप सही मायने में प्रशिक्षण को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य इसके पीछे था। और मैं यूनिवर्सिटी का आभारी हूं कि जिस तरह वहां की फैकल्टी, विशेष तौर पे आईटी डिपार्टमेंट का, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि मैं भी खुद आईआईटी का ग्रेजुएट हूं। लोग हमेशा आईआईएम्स, आईआईटीज में ऐसे कोर्सेस करने की सोचते हैं, वो गलत नहीं है, परंतु बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहां की फैकल्टी किसी से कम नहीं है। प्रोफेसर आर्य खान, प्रोफेसर धीरेन पांडे, राजश्री मैम और बहुत कई अनगिनत लोग ऐसे वहां पे हैं जिनका नॉलेज, डेडिकेशन और पढ़ाई कराना एक बहुत बड़ा मकसद है। उनके इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, डेडिकेशन है कि हर एक आदमी को अपने जो भी विद्यार्थी है उसको सारे इनपुट्स पहुंच जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। सर, ये हमारे साथ थे आईपीएस डॉक्टर संजय एम तरडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात हैं। हाल ही में इनको साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडल मिला था, जो कि देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया था। तो अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया कि अब हम जल्द ही, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को जो ठगी की जाती है साइबर अपराधियों द्वारा, उनसे निजात मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अक्षत जोशी, आरएनटीवी। इस बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है।